हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। बेसिकली इस वीडियो के बाद से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं ऑन टू पॉइंटर एल्गोरिदम। सो बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है, जस्ट नॉट अ एल्गोरिदम बट ये खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि डीएसए का बहुत ज्यादा पार्ट कंटेन करता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन कोडिंग एग्जामिनेशंस और इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और यू कैन से इन इंटरव्यू एग्जाम्स। और ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, ओके, स्पेशली जहाँ पे बहुत बार हम इंटरव्यूज में ओ ऑफ एन स्क्वायर के सॉल्यूशंस लिखते हैं, फिर वो उसको ऑर्डर ऑफ एन में बेसिकली ऑप्टिमाइज करने के लिए बोलते हैं। सो उस पोजिशंस पे टू पॉइंटर एल्गोरिदम बहुत ज्यादा काम आते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम। सो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है कि जिसमें हम देखने वाले हैं कि इस पूरे सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एज वेल एज कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कि क्या होता है टू पॉइंटर एल्गोरिदम, कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, उसके पैटर्न क्या होते हैं, देन कौन से उसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, देन वी विल ऑल्सो सी कि हम इस पूरे सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन होंगे ऑन टू पॉइंटर एल्गोरिदम। सो इसके बाद आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ टू पॉइंटर एल्गोरिदम लगाना चाहिए, और जनरली यही क्वेश्चन बार बार इंटरव्यूज में रिपीट होते हैं, एंड सो इट विल हेल्प यू ऑल्सो। बट मैं नहीं चाहता कि आप बस वही क्वेश्चन को पढ़ें, बट एक ब्रेन डेवलप करें कि ऐसे पैटर्न्स को आप कैप्चर करके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स सी कि फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली अ टू पॉइंटर अप्रोच और टू पॉइंटर एल्गोरिदम। सो द टू पॉइंटर टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। मोस्टली आप इसी नाम से जानोगे, लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर बहुत कम लोग यूज करते हैं। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर मतलब एक पॉइंटर स्लो मूव करेगा और एक पॉइंटर फास्ट मूव करेगा। दिस इज अ वेरी पॉपुलर एल्गोरिदम अप्रोच यूजिंग इन सॉल्विंग वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम प्रॉब्लम्स। इट इन्वॉल्व्स टू पॉइंटर्स और इंडाइसेस टू ट्रेवर्स अ डेटा स्ट्रक्चर, टिपिकली एन एरे और अ लिंक्ड लिस्ट और बोथ। दिस टू पॉइंटर्स मूव एट अ डिफरेंट स्पीड एंड आर यूज टू सॉल्व स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एफिशियंटली। ठीक है, सो नाम से पता चल रहा है टू पॉइंटर मतलब किसी भी दो टाइप के पॉइंटर होंगे, जनरली हम उसको स्लो और फास्ट पॉइंटर बोलते हैं कि एक स्लो जाता है एक फास्ट जाता है, या फिर एक पॉइंटर लेफ्ट से स्टार्ट होता है एक पॉइंटर राइट से स्टार्ट होता है जो कि बाइनरी सर्च में आपको मिल जाता है। ओके, सो ऐसे सारे को हम टू पॉइंटर अप्रोच में सॉल्व करते हैं। देन द प्राइमरी आइडिया बिहाइंड टू पॉइंटर टेक्निक इज टू ऑप्टिमाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आइटरेशंस एंड कंपैरिजंस रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद ऑर्डर्ड और सॉर्टेड डेटा। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जहां पे भी ना सॉर्टेड डेटा आता है वहां पे हम टू पॉइंटर अप्रोच जरूर लगाते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जहां पे भी आपको सॉर्टेड डेटा मिलेगा, सॉर्टेड एरे मिलेगा, तो वहां पे हमेशा आप बाइनरी सर्च के बारे में सोचना। एंड बाइनरी सर्च किसका एप्लीकेशन है? टू पॉइंटर अप्रोच, क्योंकि हम दो डायरेक्शन से सर्च करना चालू करते हैं, एक लेफ्ट और राइट। सो वो भी टू पॉइंटर का ही सब पार्ट है। ठीक है, सो जहां पे भी सॉर्टेड या ऑर्डर डेटा आता है या नियरली सॉर्टेड नियरली ऑर्डर आता है तो वहां पे आप टू पॉइंटर अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। इट इज ऑफन अप्लाइड टू प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व सर्चिंग एंड फाइंडिंग पैटर्न्स और ऑप्टिमाइजिंग सर्टेन ऑपरेशंस। ये सब जगह में टू पॉइंटर अप्रोच यूज में आता है। अब हम कुछ और सिनेरियोस देखते हैं कि जहां पे हमें ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस या पैटर्न जहां पे हमें पेयर्स या ट्रिपलेट्स निकालना होता है, लाइक हमें एक सॉर्टेड एरे गिवन होगा एंड यू हैव टू यूज द टू पॉइंटर टेक्निक टू फाइंड द ट्रिपलेट्स पेयर्स और एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के क्वेश्चंस लाइक टारगेट सम, ऐसे क्वेश्चंस को हम जरूर टू पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि टू पॉइंटर का अप्रोच जो टू पॉइंटर के अप्रोच वाले क्वेश्चंस हैं वो सिंगल आइटरेशन में नहीं बन सकते। ऑब्वियसली लाइक सिंगल आइटरेशन इन द सेंस, मान लो आपको जैसे एक एरे गिवन है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लाइक ये एक एरे गिवन है या लिंक्ड लिस्ट गिवन है। ठीक है, अब बेसिकली हम एक डायरेक्शन से जाके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हम टू पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे और लेफ्ट और राइट या स्लो और फास्ट पॉइंटर से काम करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, सो ये ऑप्टिमाइजेशन पार्ट पे आता है। देन डिटेक्टिंग साइकिल, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लाइक लिंक लिस्ट में साइकिल डिटेक्ट करो या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो टू लिंक लिस्ट का, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम
टू पॉइंट ड्रॉप प्रोसेस सॉल्व करते हैं। देन स्लाइडिंग विंडो के प्रॉब्लम, ठीक है, इसको तो हम डिफरेंट पार्ट में डील करेंगे कि स्लाइडिंग विंडोज और विंडोज के सारे प्रॉब्लम्स ही हम टू पॉइंट ड्रॉप प्रोसेस सॉल्व करते हैं। फिर इंटरव्यू में जब भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने बोले, लाइक आपने कोई सॉल्यूशन बनाया जो कि एन स्क्वायर में, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है और उसको आपको ऑर्डर ऑफ एन में लाना है, उस केस में भी टू पॉइंट अप्रोच बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया कि जहां पे भी सॉर्टेड डेटा हो वो बहुत ज्यादा हद तक चांस है कि वहां पे हम टू पॉइंट अप्रोच लगा पाए। जहां पे भी पेयर या ट्रिपलेट्स निकालने के लिए बोले हो तो वहां पे भी बहुत ज्यादा चांस है कि हम टू पॉइंट अप्रोच के क्वेश्चंस को सॉल्व लगा सकते हैं। देन सब एरे सब स्ट्रिंग के प्रॉब्लम, जहां मान लो एक एरे गिवन है और सब एरे या सब स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, लाइक मैक्सिमम सम, लॉन्गेस्ट पाथ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे भी आप स्लाइडिंग विंडो टेक्निक लगा सकते हो, जो कि ऑब्वियसली इज अ सबसेट ऑफ टू पॉइंट अप्रोच। ये सारे बाइनरीज, स्लाइडिंग विंडो, ट्रिपलेट्स क्वेश्चन, ये सारे के सारे टू पॉइंट अप्रोच पे ही आते हैं। देन ऐसे क्वेश्चन लाइक मीटिंग और इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम टू पॉइंट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। विंडो और रेंज क्वेरीज जो कि स्लाइडिंग विंडो में आ जाता है। हाँ, जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि ना टू डायरेक्शनल मूवमेंट कर सकते हैं, लाइक लेफ्ट टू राइट भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम टू पॉइंट अप्रोच लगाना। फिर ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बता दिया, लाइक एन स्क्वायर में आप सॉल्यूशन लिख चुके और कोई बोल रहा है कि आप ऑर्डर ऑफ एन में करो, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि यार वहाँ पे आपका स्लाइड टू पॉइंट अप्रोच जरूर लग जाएगा। अगर आपके पास ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में एन स्क्वायर का सॉल्यूशन आप इजिली डिजाइन कर पा रहे हो तो एफिशिएंट सॉल्यूशंस को ऑर्डर ऑफ एन में हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार हो जाएगा बट हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है, तो इस डायरेक्शन पे आप सोच सकते हो। ये सारे जो आइडेंटिफिकेशन है ना, जरूरी नहीं है कि ये होंगे ही, बस मैं ये आइडेंटिफिकेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस देखते ही आपको समझ आए कि हाँ मुझे टू पॉइंट अप्रोच के डायरेक्शन में जाना है। बट वंस यू प्रैक्टिस अ लॉट ना, तो आपको अपने आप ही फील आने लग जाता है ये सब, फिर कोई मायने नहीं रखता आइडेंटिफिकेशन, अपने आप आपको दिमाग में चमकने लग जाएगा कि नहीं यार मेरे को यहाँ पे टू पॉइंट अप्रोच लगाना ही लगाना चाहिए, ठीक है, या फिर लग सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी कि इसके एडवांटेजेस क्या है। पहला तो यार एफिशिएंसी, लाइक मैंने आपको बताया कि अगर हम कहीं पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कर पा रहे हैं तो इसको हम ऑर्डर ऑफ एन पे रिड्यूस कर पाएंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम कर सकते हैं, लाइक इन मेनी केस द टू पॉइंट अप्रोच डजंट रिक्वायर अ एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर विच रिड्यूस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स कोई क्वेश्चन को हम हैश मैप या हैशिंग से सॉल्व करते हैं तो हैश मैप से सब स्पेस घेरते हैं, बट उसको हम टू पॉइंट अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, सो इट विल रिड्यूस द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। Then simplicity, the concept is relatively simple or obviously it's very easy, just you have to practice, make it accessible for both beginners and experienced programmers, okay, and I think you all are very experienced. Okay, but इसके कुछ disadvantages भी हैं, like मैंने आपको बताया कि sorted data, mostly sorted data होने के बाद ही हम two pointer लगा पाते हैं। This technique is more effective when dealing with sorted or unordered data structure. The input data is not naturally sorted, you may need to sort it first. तो जैसे हम sort करते हैं ना, कभी कभी n log n की time complexity आ जाती है, but हम तो चाहते हैं order of n में, तो generally जब data अपने आप sorted होता है ना तब हम two pointer के बारे में सोचते हैं, बट हम सॉर्ट करके भी लगा सकते हैं बट उसकी फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन आ जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पॉइंटर मैनिपुलेशन सम केसेस में ना, ये जो मल्टीपल पॉइंटर्स को हमें मैनेज करना पड़ता है वो कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है ऑब्वियसली कि हर प्रॉब्लम में हम नहीं लगा सकते, लाइक अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है तो लगा सकते हैं नियरली सॉर्टेड पे, बट अनसॉर्टेड है तो फिर उसको तो आपको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा उसके बाद लगा सकते हैं। सो यूनिवर्सल सॉल्यूशन, ये ऐसा नहीं कि ये एल्गोरिथम हर जगह काम आएगा। देन लिमिटेड टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली लाइक फाइंडिंग पेयर्स, डिटेक्टिंग साइकिल, मेंटेनिंग विंडोज, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में ही ये जनरली अप्लाई होता है। ठीक है, सो इसका लिमिटेड स्कोप है बट अच्छा है। सो ये बेसिक है, हमने देखा कि डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, ओके, सिनेरियोस कहाँ पे हमें हेल्प करता है, व्हाट इज टू पॉइंट। ठीक है, तो ये बहुत थ्योरी पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो से हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले 5 इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसका मैं 5 वीडियोस निकालूंगा डिफरेंट डिफरेंट। ये बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चंस हैं, इजी लेवल क्वेश्चंस करने का फायदा ये रहेगा कि आपको बेसिकली ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगा कि कहाँ पे हम टू पॉइंटर लगा रहे हैं और टू पॉइंटर आखिरकार है क्या। उसके बाद बेसिकली हम कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, लाइक टू पॉइंटर्स ऑन सॉर्टेड एरे। ठीक है, सो उसमें पहला क्वेश्चन रहेगा कि रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, देन स्क्वायर ऑफ अ सॉर्टेड एरे,
देन सम मीडियम लेवल क्वेश्चंस लाइक टू सम थ्री सम, फिर हम कुछ हार्ड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइक कंटेनिंग विथ मोस्ट वाटर, फोर सम, सारे लीट कोड जीएफजी में अवेलेबल है, ये सब क्वेश्चंस को हम जरूर सॉल्व करेंगे। देन वेरी हार्ड में मैंने कुछ क्वेश्चंस प्लेस किया लाइक फाइंड के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स, ट्रैपिंग रेन वाटर, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस लाइक सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, मिनिमम विंडो शॉर्ट, ये सब हम सॉल्व करेंगे। ओके, देन हम देखेंगे टू पॉइंटर्स ऑन लिंक लिस्ट वेर वी विल सॉल्व सम इजी क्वेश्चंस लाइक डिटेक्ट लिंक लिस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देन रिवर्स लिंक लिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसर्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट, रिमूव एन नोड फ्रॉम द एंड ऑफ लिस्ट, एड टू नंबर्स, पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट, हालांकि ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है, बट फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा एक बार। ठीक है, टू मेंटेन द फ्लो, वेरी हार्ड में लाइक मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट, फ्लैटन द मल्टी लेवल डबली लिंक लिस्ट, देन रीऑर्डर लिंक लिस्ट, एलआरयू कैशे प्रॉब्लम, ये भी बहुत फेमस प्रॉब्लम है। ठीक है, देन हम सॉल्व, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, वी कैन मेक अ सीरीज ऑन स्लाइडिंग विंडो और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लाइक जहाँ पे स्लाइडिंग विंडो टू पॉइंट दोनों अप्रोच हो, या फिर ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट वी विल टारगेट टू दी टू पॉइंटर अप्रोच, देन हम स्लाइडिंग विंडो ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन बाइनरी सर्च के बहुत सारे लाइक इसके भी 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो दूर की बात है, बट दिस इज गोइंग टू बी फ्लो ऑफ दिस सीरीज, सो कीप ट्यून, बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। और अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो 40-50, तो आई डोंट थिंक सो कि टू पॉइंट अप्रोच पे आपको कभी भी डाउट आएगा, और मोस्टली तो यही क्वेश्चन घूम फिर के आपके इंटरव्यूज में भी आ जाते हैं, कोडिंग प्रॉब्लम्स में भी आ जाते हैं, या फिर इसके थोड़े से वेरिएशन आ जाते हैं। सो बहुत ही मजा आने वाला है, सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल सॉल्विंग द इजी लेवल टू पॉइंट क्वेश्चन, जो कि बहुत हेल्प करेगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। थैंक यू।